खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से, जहां मझोला से खटीमा नेशनल हाईवे की मरम्मत कार्य में राष्ट्रीय योगी सेना के कार्यकर्ताओं ने मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया है। तो वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है कि दुर्घटना से बचने के लिए प्राथमिकता के आधार पर पहले बड़े गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है, फिर बाद में छोटे गड्ढों को भी भरा जाएगा। आपको बता दें कि मझोला से खटीमा जाने वाला नेशनल हाईवे रोड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस पर छोटे बड़े तमाम गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पूर्व में कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। वर्तमान में पीडब्ल्यूडी द्वारा इस रोड पर पेंच वर्क कराया जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय योगी सेना के कार्यकर्ताओं ने संबंधित ठेकेदार और जेई पर रोड मरम्मत कार्य में की जा रही भारी कोताही और लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध जताया है। योगी सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मरम्मत में बड़े गड्ढों को भरा जा रहा है, किंतु छोटे छोटे तमाम गड्ढों को छोड़ दिया जा रहा है, जिससे अब भी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। छोटे छोटे गड्ढे कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय योगी सेना मझोला के नगर अध्यक्ष करणवीर सिंह ने बताया कि मझोला से खटीमा तक नेशनल हाईवे रोड मरम्मत कार्य हेतु उत्तराखंड मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया गया था, जिसका संज्ञान लेकर रोड की मरम्मत कार्य कराया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार और जेई द्वारा भारी लापरवाही और कोताही करते हुए छोटे छोटे गड्ढों को छोड़ते हुए केवल बड़े गड्ढों को भरकर मरम्मत कार्य की खानापूर्ति की जा रही है, जिससे भविष्य में बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने मरम्मत कार्य को ठीक से कराते हुए गड्ढा मुक्त रोड निर्माण की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता MC पलड़िया ने बताया कि मेरे द्वारा ठेकेदार को निर्देश दिया गया है, प्राथमिकता के आधार पर पहले बड़े गड्ढों को भरने के बाद छोटे गड्ढों को भरा जाए, ताकि दुर्घटना होने से बच सके। इसमें सरनवीर सिंह, मलकीत सिंह, मनोज कुमार, विकास कुमार, दिनेश कुमार और तरशेम सिंह आदि लोग मौजूद है। मैं ये मझोला और खटीमा मार्ग के खड्डा मुक्त योजना के लिए गत दिनों पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को एक ज्ञापन भेंट किया था स्पीड पोस्ट के जरिए। उस ज्ञापन को उन्होंने स्वीकार किया। ज्ञापन को स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने संबंधित विभाग को इस रोड को खड्डा मुक्त करने के निर्देश दिया, और उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन उसके बाद कार्रवाई तो हुई है, लेकिन संबंधित विभाग इस पर लापरवाही बरत रहा है। इस रोड में बड़े बड़े खड्डे सिर्फ पूरे किए जा रहे हैं, छोटे छोटे खड्डों को वैसे ही छोड़ दिया जा रहा है, और संबंधित विभाग के कर्मचारियों से पूछने पर, ठेकेदार से पूछने पर, मैट लोगों से पूछने पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, यानी कि संबंधित विभाग जवाब देने में असमर्थ है। मैं संबंधित विभाग से यही पूछना चाहता हूँ कि क्या ये छोटे खड्डे आगे जाकर बड़ी दुर्घटना का कारण ही बनेंगे? इसका कोई इसका कौन जिम्मेदार होगा आगे जाके? मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से आग्रह करूँगा कि मामले में तुरंत संज्ञान लेकर मामले में कार्रवाई की जाए और इस रोड को खड्डा मुक्त किया जाए। इसमें मार्ग में काफ़ी गड्ढे हो गए हैं, तो गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है। पहले प्राथमिकता के आधार पर बड़े गड्ढों को भरा जा रहा है, ताकि कोई दुर्घटना न हो, और बड़े गड्ढों को भरने के बाद ही जो है छोटे गड्ढों को भरा जाए। मेरे द्वारा ही जो है ठेकेदार को निर्देशित किया गया कि पहले जो बड़े गड्ढे हैं दुर्घटना से संभावना है उनको पहले भरा जाए, ये मेरे द्वारा ही कहा गया। ज़्यादा जो है उनको सिक्वेंस में बाद में टिकट किया जाए।